दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी कि टॉर ब्राउजर क्या होता है, कैसे काम करता है, उसका जो कॉन्सेप्ट है किस चीज़ पे बेस्ड है, ओवरऑल मैंने फुल एक्सप्लेन किया था, वो भी एकदम सिंपल वे में, ताकि सभी लोग समझ पाए। तो उसी वीडियो पे कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि सर आप मुझे डाउनलोड करने का तरीका बताइए कि टॉर ब्राउजर को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और जैसा कि मैं अपने वीडियो में बोलता हूँ कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो कमेंट में मेंशन जरूर करें, ताकि मैं उन टॉपिक पे वीडियोस बना सकूं। तो अब मैं वही कर रहा हूँ। अगर अभी भी आपके मन में कोई टॉपिक है तो अभी कभी कमेंट करके बताएं कि सर आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। खैर चलिए जानते हैं कि टॉर ब्राउजर को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आइए दोस्तों, ये जो ब्राउजर है ये माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउजर है। आप चाहे तो कोई सा भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं, चाहे गूगल क्रोम हो या मोजिला फायरफॉक्स हो या फिर ब्रेव ब्राउजर हो, आप चाहे तो किसी भी ब्राउजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसी ब्राउजर का यूज करने वाला हूँ, तो सर्च में लिखेंगे टॉर तो फिर ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर टॉर प्रोजेक्ट पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, तो यहाँ पर हम डाउनलोड टॉर ब्राउजर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स, एंड्रॉयड, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हमें विंडोज के लिए और टॉर ब्राउजर चाहिए, तो हम विंडोज पे क्लिक करेंगे। विंडोज पे क्लिक करते ही डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, टॉर ब्राउजर डाउनलोड हो चुका है। टॉर ब्राउजर का जो साइज है वो है 74.06 MB। तो इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद सिंपली इसे ओपन करें। ओपन करने के बाद आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस कनेक्ट पे क्लिक करना है। फिर टॉर ब्राउजर का यूजर इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। जैसे गूगल पे हम कोई भी चीज सर्च करते हैं तो गूगल क्या हमारा सर्च इंजन है, तो ठीक वैसे ही डक डक गो जो है वो भी एक सर्च इंजन है। तो चलिए इसी सर्च इंजन में हम कुछ सर्च करते हैं। मान लीजिए हम सर्च करते हैं टेक्निकल महताब, जो कि हमारा चैनल है, टेक्निकल महताब। हो गया, अब हम सर्च करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा यूट्यूब चैनल है, उसके बाद इंस्टा प्रोफाइल है, फिर फेसबुक है। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाके फॉलो करें और हमारे फेसबुक पेज के साथ भी जुड़ जाएं। तो दोस्तों ये जो तरीका था ये पीसी के लिए था कि आप पीसी में कैसे टॉर ब्राउजर को इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन में टॉर ब्राउजर को यूज़ कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, आप टॉर ब्राउजर को स्मार्टफोन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि टॉर ब्राउजर को हम स्मार्टफोन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। आइए, तो दोस्तों फोन में टॉर ब्राउजर को डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर पर जाएं और टाइप करें ऑरबॉट, फिर इसे इंस्टॉल करें। और याद रखें दोस्तों, मोबाइल में टॉर ब्राउजर को चलाने के लिए दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, एक ऑरबॉट और दूसरा टॉर ब्राउजर। तो यहाँ जो ऑरबॉट है ये प्रॉक्सी के लिए आता है और दूसरा जो है वो है टॉर ब्राउजर। पहले ये ब्राउजर और फॉक्स के नाम से था प्ले स्टोर पे, बट अब ये टॉर ब्राउजर हो गया है। तो पहले हम ऑरबॉट को ओपन करेंगे, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करके डन करेंगे तो ये शो होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों कितने सारे लोकेशंस हैं। तो आपको यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, बस स्टार्ट पे क्लिक करना है और VPN ऑन करना है। ये देखिए दोस्तों, टॉर नेटवर्क से कनेक्ट हो गया। अब हम टॉर ब्राउजर को ओपन करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अभी मैं टॉर ब्राउजर को एक्सेस कर पा रहा हूँ, लेकिन आपको अभी ब्लैक स्क्रीन दिख रहा होगा। हालांकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग पूरा हुआ है, लेकिन एडिटिंग में ये ब्लैक शो होने लगता है। तो आपको अब वीडियो आप देख रहे होंगे तो ये ब्लैक ही शो होगा। खैर मैंने टॉर ब्राउजर का यूजर इंटरफेस दिखा दिया अपने पीसी में और मोबाइल में टॉर ब्राउजर चलाने का पूरा प्रोसेस बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें। अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई सवाल है टॉर ब्राउजर से रिलेटेड या फिर कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट में मेंशन जरूर करें। और हमारे साथ बने रहने के लिए जल्दी से हमारे इस टेक्निकल महताब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आप हमारे साथ जुड़ पाए और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।